दोस्तों अगर आप अक्षर पटेल की बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अक्षर पटेल के अंतिम ओवरों में करिश्माई बल्लेबाजी को देख भारतीय दिग्गज का आया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी करेंगे दिल से सलाम। और आखिरकार अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी पर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में, ये तो आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अक्षर पटेल, हरभजन सिंह और रविंद्र जडेजा में से कौन है बेहतर ऑलराउंडर? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 12वीं सीरीज जीतने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मुकाबले में पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में पहुंची, जहां विरोधी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शाई होप 115 और निकोलस पूरन की 74 रन की पारी के दम पर 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां भारतीय गेंदबाजों की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 3 तो वहीं युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट हासिल किया। और 312 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो शिखर धवन 13 के स्कोर पर आउट हुए, तो वहीं श्रेयस अय्यर की 74 और संजू सैमसन की 54 रन की पारी ने भारतीय टीम को मुकाबले में बचाकर रखा। लेकिन अंत में अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और अक्षर पटेल की 35 गेंदों पर ताबड़तोड़ 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 64 रन की नाबाद पारी ने भारतीय टीम को 2 गेंद पहले ही 2 विकेट से जीत दिला दी और सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त भारतीय टीम ने हासिल की। और इस मुकाबले में अक्षर पटेल ही मैन ऑफ द मैच बने और पिछले 16 साल के वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के कीर्तिमान को जारी रखा। और इसी बीच अक्षर पटेल की बल्लेबाजी पर भारतीय दिग्गजों का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया, जिसमें हरभजन सिंह ने कहा कि भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है उसकी सराहना पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल की बल्लेबाजी ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, परंतु जिस तरह अक्षर पटेल ने वेस्टइंडीज के मुंह से जीत छीन ली उसको वेस्टइंडीज की टीम हजम नहीं कर पाएगी। और अक्षर पटेल ने दिखा दिया कि वो भारतीय टीम के लिए ऑलराउंडर के तौर पर सबसे मजबूत दावेदार बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर हो जाएंगे। तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में हार लगभग पक्की हो गई थी, परंतु जिस तरह अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंत में भारतीय टीम को जीत के मुकाम पर पहुंचाकर रख दिया, उसके लिए उनकी तारीफ करना लाजमी है, क्योंकि इस मुकाबले में अक्षर पटेल नहीं होते तो शायद भारतीय टीम को जीत भी नहीं मिल पाती और भारतीय टीम को अक्षर पटेल का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्य परफेक्ट बल्लेबाज नहीं कर पाए उस कार्य को एक गेंदबाजी ऑलराउंडर ने कर दिखाया, जो भारतीय क्रिकेट में नया उदाहरण पेश कर रहा है। तो वहीं कपिल देव ने कहा है कि अक्षर पटेल को भारतीय टीम में ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा खिलाया गया है, परंतु जब भी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक खिलाड़ी को चुनने की बात आती है तो अक्षर पटेल को टीम से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यहां से अक्षर पटेल अब रविंद्र जडेजा को पूरा कॉम्पिटिशन देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहां इस मुकाबले में उन्होंने जडेजा की गैर मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया, जो उनकी जगह भारतीय टीम में लगभग पक्की करने के लिए बन गई है। और अक्षर पटेल को ऐसी पारी आगे भी खेलनी है जिनके कारण उन्हें टीम में परमानेंट जगह भी मिल जाएगी। और दोस्तों अक्षर पटेल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।